तो हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। आज है 28 जून। चलिए चलिए देखते हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस और भी बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, साथ देखेंगे इसी जगह से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें एक नज़र। दोस्तों सबसे पहले ये पढ़ पा रहे हो यहाँ पर DELED संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन शुरू है 22-24 के सेशन में। और दोस्तों अगली बार देख पा रहे वीक वन यूनिवर्सिटी आरा की तरफ से अपडेट, तो मैंने फिर पढ़ने को अपडेट की कॉलेजों में देख पा रहे स्नातक पाठ्यक्रम सत्र 22 से 25 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है, 11 जुलाई तक स्वीकार किया जाएगा। फ्रेंड्स अगली बार पढ़ने को अपडेट देख पा रहे यहाँ पे VSSC प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में इतने सभी अभ्यर्थी शामिल हुए, देख पा रहे परिणाम हो जा रही। दोस्तों अगली बार देख पा रहे वीक यूनिवर्सिटी आरा की तरफ से अपडेट कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए विभिन्न विषयों को 4 ग्रुप में बांटा गया, देख पा रहे हो। इन सभी जिले के 38 केंद्रों पर 4 से 15 जुलाई तक से ली जाएगी स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा। तो पढ़ पा रहे यहाँ पे देख पा रहे हो वीक यूनिवर्सिटी आरा की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट कि स्नातक पार्ट 3 18 से 21 की परीक्षा 4 जुलाई से शुरू होगी जो कि 15 जुलाई तक चलेगी। देख पा रहे हैं आपको परीक्षा का सेंट्रल एग्जाम सेंट्रल लिस्ट भी देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों देख पा रहे वीक यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट देख पा रहे हो यहाँ पे स्नातक में नामांकन के लिए पहले दिन 25 से 28 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन 22 से 25 के सेशन में। दोस्तों एक बार देख पा रहे वीक यूनिवर्सिटी आरा की तरफ से अपडेट कि 30 तक विलंब शुल्क के साथ स्नातक पार्ट 2 और 3 का भरा जाएगा परीक्षा फॉर्म। देख पा रहे हो स्नातक पार्ट 19 से 22 और देख पा रहे हो यहाँ पर 200 विलंब शुल्क के साथ छात्र छात्राएं 30 जून तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वही दूसरी तरफ स्नातक पार्ट 3 18 से 21 का भी परीक्षा फॉर्म भरने का तिथि बढ़ा दी गई, 200 विलंब शुल्क के साथ आप भर सकते हो। दोस्तों इधर अगली बार देख पा रहे हो तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से कि 4 सत्रों की परीक्षा एक साथ देख पा रहे हो साइंस कॉलेज में होगी। BCA के पहले सेमेस्टर की परीक्षा 7 व 2 व 6 की 8 जुलाई से शुरू होगी। तो देख पा रहे हो परीक्षा का कार्यक्रम 7 जुलाई से एग्जाम शुरू है आप सभी का जो कि 20 जुलाई तक एग्जाम चलेगी। तो TMU ने भी BCA के पहले 2, 3, 4 व 6 सेमेस्टर की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया। उधर दोस्तों अगली बार TMU यूनिवर्सिटी की तरफ से कि विलंब शुल्क के साथ 30 से भरा जाएगा पार्ट 2 का एग्जाम फॉर्म। वही देख पा रहे अगली बार कि TMU में BEd फर्स्ट ईयर की परीक्षा मंगलवार से 4 केंद्रों पर होगी, परीक्षा 1500 छात्र शामिल होंगे। दोस्तों वही पर अगली बार तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से कि PG की 6 जुलाई की परीक्षा अब यहाँ पर 15 जुलाई को होगी 18 से 20 की सेशन से। दोस्तों अगली बार देख पा रहे JP यूनिवर्सिटी छपा की तरफ से अपडेट के 27 जून थी अंतिम तिथि, अब तक लगभग 25,000 छात्र छात्राओं ने लिया है आवेदन, अब 12 जुलाई तक ले सकते हैं स्नातक पार्ट 1 में एडमिशन। देख पा रहे हो JP यूनिवर्सिटी के स्नातक पार्ट 1 22 से 25 में एडमिशन की तिथि विस्तारित कर दी गई, 12 जुलाई तक आप ले सकते हो। दोस्तों इधर अगली बार देख पा रहे हो 4 वर्षीय BA BEd व BSc BEd में नामांकन के लिए आवेदन प्रपत्र भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन सोमवार को ललित मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा कर दिया गया, 1 जुलाई से होगा आवेदन शुरू। दोस्तों भाई अगली अपडेट देख पा रहे हो ललित मिथिला यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट की देख पा रही हो आप, स्नातक पार्ट 2 विज्ञान प्रतिष्ठा का रिजल्ट जारी हुआ 19 से 22 के सेशन का। दोस्तों अगली बार देख पा रहे यहाँ पे ललित मिथिला यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट की गणित में सीट कम पड़ने से 2507 आवेदन एडमिशन से वंचित होंगे, PG में एडमिशन लेने से वंचित रह जाएंगे 14,726 छात्र छात्राएँ। देख पा रहे PG के साथ 21 से 23 में 14 विषयों में नामांकन के लिए 2576 सीटें बढ़ाकर एडमिशन की इच्छुक छात्र छात्राएँ को एक और मौका दे दिया गया है। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हो BRB बिहार यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट के CBC रिजल्ट के लिए, देख पा रहे हो रू का 1.34 लाख छात्रों का स्नातक में दाखिला, जिसको देख पा रहे हो 3 बार बड़ी आवेदन की तिथि फिर आगे बढ़े या नहीं इसे लेकर असमंजस। CBC प्लस 2 के रिजल्ट के लिए आवेदन करने के वाले 1.34 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का स्नातक में दाखिला रुका हुआ है, आवेदन थमा फिर भी नहीं निकल रहा मेरिट लिस्ट, प्रमुख विषयों में इस तरह आए हैं आवेदन, छात्रों का सवाल इंटर रिजल्ट समय पर आने का भी नहीं मिला फ़ायदा। उधर दोस्तों अगली अपडेट BSc BEd में दाखिले के लिए वेबसाइट लॉन्च, इधर 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन 21 अगस्त तक की होगी परीक्षा। दोस्तों अगली अपडेट देख पा रहे मगध यूनिवर्सिटी बोधगया की तरफ से अपडेट कि बार बार रिजल्ट किया संबंधित तिथि घोषित कर छात्रों के भविष्य भी कर रहा खिलवाड़, देख पा रहे हो अब वर्तमान परीक्षा नियंत्रक ने विभिन्न कोर्स के रिजल्ट जारी करने की जुलाई में बताई संभावित तिथि। देख पा दोस्तों 2 जून को जारी किया परीक्षा कैलेंडर, 1 माह भी ही में ही लक्ष्य पाने में विफल रहा, देख पा रहे हो जुलाई में जल्द जारी होगा लंबित रिजल्ट, ऐसा मगधी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद का कहना है। दोस्तों अगली बार देख पा रहे मगध यूनिवर्सिटी बोधगया दोस्तों अपडेट की देख पा रहे हो अग्निपथ का विरोध सहित 5 सूत्रों मांगों को लेकर जन अधिकार छात्र परिषद ने मगध VV को कराया बंद, 3 साल का पाठ्यक्रम 5 साल में भी देख पा रहे हो अधूरा अभी तक पूरा नहीं हुआ। दोस्तों अगली बार देख पा रहे मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्ट 1 और 2 की परीक्षा में इतने सारे परीक्षार्थी हुए शामिल। दोस्तों अगली बार मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से इस बार स्नातक पार्ट 1 में शैक्षणिक सत्र 22 से 25 के विज्ञान संकाय की 77 देख पा रहे 50% सीटें, वाणिज्य में 86 देख पा रहे, कला में 49 सीटें रिक्त रह जाएगी, क्योंकि विगत 25 जून को स्नातक पार्ट 1 में नामांकन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है।
वही दोस्तों, अगली बार पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ पा रहे यहाँ पे स्नातक प्रथम खंड की स्थगित परीक्षा तिथि घोषित कर दी, देख पा रहे हो। साथ ही बीएड की 6 जुलाई को होने वाली परीक्षा के कारण स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा स्थगित कर पुनः 8 जुलाई को परीक्षा ली जाएगी, देख पा रहे। 25 जून की होने वाली स्नातक प्रथम खंड परीक्षा 9 जुलाई को प्रथम पाली में होगी। दोस्तों अगली बार देख पा रहे पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रार्थी के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की शिकायत चेतक अब कर सकते हो। और दोस्तों अगली बार देख पा रहे यहाँ पे इस बार सीएनएल यूनिवर्सिटी को मिला है बी ग्रेड। दोस्तों अगली बार देख पा रहे यहाँ पे पटना वुमेन्स कॉलेज में विभिन्न विषयों में नामांकन के लिए एंट्रेंस टेस्ट के तीसरे दिन बीकॉम का टेस्ट लिया गया। उधर दोस्तों अगली बार पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से देख पा रहे हो पिछले सत्र से मुकाबले नए सत्र के लिए काफ़ी कम आवेदन आए हैं, देख पा रहे हो। पिछले सत्र से इस बार 5,000 आवेदन कम आए। एंट्रेंस टेस्ट की तिथि दोस्तों आगे बढ़ी, पढ़ पा रहे पहले 9 जुलाई को सामान्य व 12 जुलाई को वोकेशनल कोर्स की होने वाली थी, उसी दौरान कुछ बिहारी इंजीनियरिंग व कुछ अन्य परीक्षाओं को देखते हुए 1-2 दिन में फाइनल तिथि जारी होगी। पढ़ पा रहे हो 9 की जगह 15-16 जुलाई को सामान्य स्नातक कोर्स और 17-18 जुलाई को वोकेशनल कोर्स का एंट्रेंस होगा। स्टूडेंट वेलफेयर देख पर डीन ने बताया कि एंट्रेंस टेस्ट 1 सप्ताह आगे बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि उसी दौरान कुछ अन्य परीक्षाएं भी हैं। दोस्तों ये थे आज के कुछ एजुकेशन अपडेट्स। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें। इस तरह का अपडेट डेली पाने के लिए आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।